कल की एक घटना ने मुझे बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। कल शाम में मदर आती हैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर। बच्चा ठीक था, वेल एक्टिव, हेल्दी कंडीशन में था, खेल कूद रहा था, उधम मचा रहा था। बातों ही बातों में जब हिस्ट्री मैंने जाना तो हिस्ट्री वाइज ठीक 2 दिन पहले इस बच्चे को कुत्ते ने काटा था। कुत्ता भी कहाँ का, स्ट्रीट डॉग था। तो माँ से पूछने पे कि क्या इसको डॉग बाइट का इंजेक्शन आपने लगवा लिया है, उन्होंने बोल दिया ना। मेरे ये पूछने पे कि क्यों ना, आपको पता है उनका आंसर आपको भी हैरान कर देगा। उनका आंसर ये था कि 2 साल पहले मेरे बड़े वाले बच्चे को भी इसी तरीके से स्ट्रीट डॉग ने काटा था, एंड हमने तो उस समय कुछ नहीं किया, हमने तो कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। आज भी हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल वेल हेल्दी कंडीशन में है। तो जरा सा आप अंदाजा लगाएं, ये बात है दिल्ली की, कैपिटल ऑफ इंडिया की। तो कैपिटल ऑफ इंडिया में रहकर लोग अगर ऐसी बातें करते हैं तो जरा सा अंदाजा लगाएं कि वहां जो थोड़ा पेरिफेरी होता है, वहां जो गांव विलेज है जहां पे बहुत डॉक्टर्स मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं है, जरा वहां सोचे अगर वहां डॉग बाइट होता होगा तो लोग क्या सोचते होंगे, क्या समझते होंगे और क्या करते होंगे। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यही संदेश देना चाहता हूं, जरा सा बताना चाहता हूं क्या कि डॉग बाइट क्यों इतना भयंकर माना जाता है, क्या हो जाता है डॉग बाइट से और रेबीज किसे कहते हैं। जानने के लिए आप भी देखें हमारे इस वीडियो को पूरा। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से कह दूं, आप देख रहे हैं हमारा चैनल किडो केयर एंड मैं हूं डॉक्टर अनुराग, MD इन पीडियाट्रिक्स। रेबीज एक वायरल डिजीज है जो कि रेबीज वायरस कॉज करता है। रेबीज वायरस अगर आप देखो तो जैसे डॉग्स, वुल्फ, जैकल्स, बैट्स, कैट्स, मंकीज एक्सेट्रा में आपको मिलता है। एंड जनरली ये जो सलिवरी ग्लैंड है, सलिवरी ग्लैंड में ही आकर रिजाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, एंड सलीवा में ये एक्सक्रीट होता है। तो हर वो जानवर जिसके सलीवा में ये कंटेंड है वायरस, जब ये आपको बाइट करेगा तो फ्रॉम द साइट ऑफ द बाइट ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा इस एनिमल से ह्यूमन बीइंग में। अब ट्रांसफर होने के बाद ये क्रिएट करेगा रेबीज डिजीज। तो रेबीज डिजीज में होता क्या है, सिम्टम्स वाइज अगर आप देखो तो जहां पे डॉग बाइट हुआ है वहां पे थोड़ा सा टिंगलिंग, थोड़ा नंबनेस सेंसेशन रहता है, प्रिकिंग, बर्निंग सेंसेशन वहां पे हो सकता है लोकली। सिस्टेमिकली अगर आप देखो तो फ्लू लाइक इलनेस सबसे पहले होगा, जैसे कि थोड़ा फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, एक नोजिया, एक वॉमिट वाली फीलिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है, पेट में दर्द रहता है, इसमें ऑल्टर्ड बॉवल हैबिट हो जाएगा, या तो डायरिया हो सकता है, या तो हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन की ओर चले जाए लोग। लेकिन जब एस्टैब्लिश्ड रेबीज होगा तो यहाँ पे इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, या तो फ्यूरियस रेबीज होगा या तो पैरालिटिक रेबीज होगा। फ्यूरियस रेबीज कहने का मतलब है कि जिनको ये रेबीज मैनिफेस्ट करेगा वो बिल्कुल एजिटेटेड रहेंगे, नर्वस रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, एंड हाइड्रोफोबिया उनको हो जाएगा, मीन्स वो पानी से उनको बहुत डर लगेगा, एयरोफोबिया हो जाएगा, जब भी वो करंट ऑफ एयर, वो एयर ब्रीज जब भी वो बहेगा तो उनको एक डर सा रहता है, क्योंकि जैसे ही वो इन एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं या इस पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो अचानक से उनके मसल्स में, स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और उनमें एक सीजर सा भी उड़ जाता है। तभी आपने देखा होगा हर वो पेशेंट जो रेबीज के होते हैं उनको आइसोलेटेड वार्ड में रखा जाता है, नॉइज से भी दूर रखा जाता है, लाइट से दूर रखा जाता है, एयर ब्रीज नहीं दिया जाता है, एंड पानी से भी वो डरते हैं तो थोड़ा सा पानी भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वो जैसे ही पानी पिएंगे ये जो मस्कुलेचर है नेक का ये भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा एंड एक एस्फिक्सिया वाला कंडीशन इसमें हो जाता है। कहने का मतलब है कि लोगों को सांस लेने में बहुत डिफिकल्टी होगी, बहुत तकलीफ होगी और सांस भी अच्छे से नहीं ले पाएंगे, एंड धीरे 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 करके अदर मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा एंड फाइनली कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से डेथ हो सकता है। जबकि सेकेंड टाइप ऑफ रेबीज जो कि पैरालिटिक रेबीज बोलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे डॉग बाइट हुआ है वहीं से पैरालिसिस शुरू होगा एंड धीरे 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 पूरा बॉडी पैरालिसिस में चला जाएगा। यहाँ भी
अंत में रेस्पिरेटरी फेलियर होने की वजह से डेथ हो सकता है। डिफरेंस यही है कि फ्यूरियस रेबीज जनरली अगर दूसरों को काट ले, क्योंकि उनके भी सलाइवा में ये वायरस आ जाता है, दूसरों को काट ले तो यहाँ से भी रेबीज फैल सकता है। जबकि जो पैरालिटिक रेबीज होता है पेशेंट, वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेटरी फेज में नहीं होता है, वो बिल्कुल डम सा रहेगा कोने में बिस्तर में, आप देखोगे तो छुपा हुआ सा लेटा हुआ सा रहेगा, ये ज़्यादा तंग नहीं करता है, इसलिए आप देखो तो इनकी जो लाइफ भी होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है देन फ्यूरियस। तो जहां तक इस लाइफ की मैंने बातें की, आखिर क्यों रेबीज से इतना डर लगता है, क्यों डॉग बाइट से इतना डर लगता है, क्योंकि अगर जो रेबीज हो गया तो इस दुनिया में, इस धरती पे आपके लिए कोई जगह नहीं है, फिर तो मुलाकात सीधे ऊपर ही होगी। यही कारण है टिल डेट केवल 3 लोग, जी हां, उंगली पे गिनकर केवल 3 लोग ही रेबीज से बच पाए हैं। बाकी जिनको भी रेबीज हुआ है, कोई नहीं रहा है इस धरती पे। रह गई बात इनकी प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यही है रेबीज वैक्सीन। यहीं पे आपको रेबीज वैक्सीनेशन पूरा लेना है, टाइम टू टाइम जो शेड्यूल बना है इसके अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है या कैटेगरी 3। 2 में केवल रेबीज इंजेक्शन से काम चल जाएगा, लेकिन अगर कैटेगरी 3 है तो आपको RIG भी लेना पड़ेगा, दैट इज रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये था पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। कुछ लोग जो खासकर इन जानवरों को ट्रेन करते हैं, इनके साथ रहते हैं, जो एटरिस्क होते हैं, उनके लिए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी बना है। कहने का मतलब, बाइट होने से पहले पहले अपने आप को आप इम्यूनाइज करके रखें, वैक्सीनेट करके रखें, ताकि कभी को बाइट हो भी जाए तो 2 डोज आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो ये कुछ बातें थी इस रेबीज को, डैग डॉग बाइट को लेके, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, बताना चाहता था कि क्यों डॉग बाइट इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों रेबीज वैक्सीन पे हम लोग इतना जोर देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं, अभी कर लें। थैंक यू।